नमस्कार। मुंबई पुणे को छोड़कर महाराष्ट्र में 3 मई को लॉकडाउन हटाने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार करने जा रही है। लॉकडाउन हटाने की प्लानिंग जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र के शहरों का लॉकडाउन हटेगा, एक मार्गदर्शक प्लान बनाया जा रहा है जिसकी सूचनाओं को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। यह सूचनाएं 3 मई को राज्य शासन जारी करेगा। सूत्रों का कहना है कि मई महीने में 10 दिन बैंक बंद है तो बैंकों, अस्पतालों, बाजार में भीड़ मचाने के लिए मनाई रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना अनिवार्य है। इस तरह से लॉकडाउन में ढील देने का प्लान बन रहा है। राज्य शासन का कहना है कि 40 दिन लॉकडाउन रहने के कारण जो राज्य शासन की आय थी उसमें 40% का घाटा हो गया है और 1,40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसलिए राज्य अब और अधिक दिन तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में अनेक उद्योग धंधों को फिर से शुरू होने में और जो लाइफ है वो रेगुलर करने के लिए यह अवसर प्रदान किया जा रहा है। मुंबई और पुणे में लॉकडाउन यथावत रहने की संभावना है, लेकिन सरकार 4 घंटे प्रतिदिन ढील देने के बारे में भी सुझाव पर गौर कर रही है। लॉकडाउन हटते ही महाराष्ट्र शासन अन्य राज्यों के मजदूरों को वापस भेजने के लिए योजना बना रहा है। केंद्र सरकार से उसने ट्रेन की व्यवस्था करने को कहा है, साथ ही राज्य परिवहन निगम की बसों को भी रेडी रहने के लिए कहा गया है। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने लंबी बीमारी के बाद 8:45 पर निधन हो गया। वे कैंसर के ल्यूकोमिया से पीड़ित थे और उन्हें कल सांस में तकलीफ के बाद हरकिशनदास अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी निधन की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके लोगों को बताया। गुरुवार की शाम को उनका अंतिम संस्कार चंदनवाड़ी शमशान गृह में किया गया। इसमें राजू कपूर, रणधीर कपूर, सैफ अली खान, रणवीर कपूर, अभिषेक बच्चन, अनिल अंबानी जैसे गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इसके पूर्व बबीता कपूर, आलिया भट्ट, करीना अली खान, करिश्मा कपूर आदि ने रणवीर और नीतू से अस्पताल में भेंट की। 67 वर्षीय ऋषि कपूर ने अब तक 102 फिल्मों में काम किया है। महाराष्ट्र शासन ने केंद्रीय चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थगित चुनाव तुरंत कराने की मांग की है। ये चुनाव 24 अप्रैल को प्रस्तावित थे, लेकिन कोरोना के कारण चुनाव स्थगित करना पड़े थे। पालघर साधु हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार 110 लोगों को 14 मई तक पुलिस रिमांड में रखने का आदेश दिया गया है।